हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट कॉलम सेल्फ वेट। कॉलम का जो सेल्फ वेट होता है, उसका खुद का वेट, वो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक है दोस्तों। हमारा ये यूट्यूब चैनल है अबरार शेख नाम से। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो होप अच्छी लगेगी आपको। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कॉलम सेल्फ वेट। तो ये हमने डायग्राम बना के रखा है। ये कॉलम है, इसके हाइट है 3.1 मीटर। इसका क्रॉस सेक्शन है, ये हमने निकाला है। ये चार कोने पे चार सरिया दिया हुआ है स्टील। वो उसका हमारा कॉलम का साइज़ है 300 mm × 300 mm। ये हमारा कॉलम का साइज़ है। तो हम साइज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालते हैं हम लोग? सबसे पहले निकालेंगे साइज़ ऑफ कॉलम। कॉलम साइज, हमारा कॉलम साइज क्या है? 300 mm × 300 mm, ये हमारा कॉलम का साइज हो गया। और हाइट ऑफ कॉलम, देयरफॉर कॉलम हाइट, तो हमारे यहाँ पे कॉलम का हाइट क्या है? 3.1 मीटर, ये हमारा कॉलम का हाइट हो गया। तो हमारा इसमें स्टील कितना नंबर्स ऑफ स्टील लगाए? तो 4 नंबर्स ऑफ स्टील लगाए। स्टील बार हमारा कितना लगा है? 4 नंबर्स। ये हमारा 4 नंबर्स ऑफ स्टील बार है। तो इसके हिसाब से हम अब निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाता है, कंक्रीट हमारा डेंसिटी क्या होता है? कंक्रीट डेंसिटी हमारा होता है 2400 kg/m³। ये कांस्टेंट है दोस्तों, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये सब। ये हमारा कंक्रीट का डेंसिटी क्या है, स्टील का डेंसिटी क्या है, ये सब। तो अब यहाँ पे हमारा कंक्रीट का डेंसिटी हो गया, इसमें कंक्रीट यूज़ होगा। तो अब स्टील का डेंसिटी हम निकालेंगे। स्टील का डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है हमारा? 2750 kg/m³। ये हमारा स्टील का डेंसिटी निकाल लिया हमने और कंक्रीट का डेंसिटी निकाल लिया। अब इसका हम सेल्फ वेट निकालेंगे। क्या होता है सेल्फ वेट? इसका कॉलम सेल्फ वेट, कॉलम सेल्फ वेट, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कॉलम सेल्फ वेट का लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। तो हमारे यहाँ पे लेंथ क्या है? 3.1 मीटर। यह हम कॉलम का सेल्फ वेट निकाल रहे हैं। तो यह हमारा कॉलम का साइज है। यह हमारा कॉलम का साइज क्या है? कॉलम का साइज है 300 mm। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर इंटू हमारा हाइट हमारा हो जाएगा 3.1 मीटर। तो ये हमारा कॉलम का साइज का था और ये हाइट था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया। इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 0.279 m³। ये हमारा सेल्फ वेट ऑफ कॉलम निकल गया। इसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारा टोटल निकल जाएगा 0.279 × इसका डेंसिटी क्या है दोस्तों? 2400। तो ये हमारा टोटल निकल गया 669.6 kg। इस हमारे कॉलम का वेट इतना हो गया, सिर्फ कॉलम का कॉन्क्रीट का वेट, कॉलम में जो कॉन्क्रीट लगेगा उसका वेट इतना हो गया हमारा। तो अब हम निकालेंगे 1% ऑफ स्टील का, 1%, क्योंकि हमारे जो टोटल है उसमें 1% ऑफ स्टील यूज़ करेंगे। तो 1% ऑफ स्टील इसका क्या हो जाएगा? 1/1%। 1% कैसे निकालते हैं? 100 × ये हमारा फिर क्या निकालें? टोटल वॉल सेल्फ वेट ऑफ कॉलम निकालेंगे। मल्टीप्लाई बाय सेल्फ वेट ऑफ कॉलम 0.279 × इसका डेंसिटी क्या है हमारा? स्टील का डेंसिटी क्या है? 7850। तो हम वो भी लेंगे 7850। स्टील का डेंसिटी टोटल हम लोग सॉल्व करके मेरा 21.9 kg। ये हमारा टोटल 21.9 kg ऑफ स्टील हम इसमें यूज़ करेंगे। टोटल 21.9 kg ऑफ स्टील इसमें यूज़ करेंगे। तो अब हमारा टोटल हो गया टोटल कॉलम सेल्फ वेट। टोटल कॉलम सेल्फ वेट क्या हो जाएगा हमारा? हम जो ये निकाले, ये हमारा और ये प्लस ये, टोटल हम प्लस कर देंगे 6.6 प्लस 21.9। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा कितना? 6.6
692 केजी, ये हमारा केजी में निकल गया, तो ऑलमोस्ट 6.92 किलो न्यूटन। केजी में किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 6.92 किलो न्यूटन, और 6.92 किलो न्यूटन ऑलमोस्ट इसको हम इक्वल टू 7 किलो न्यूटन। तो दोस्तों ये हमारा टोटल था सल्फेट ऑफ कॉलम, कितना लोड आएगा इस पर, इसका खुद का सल्फेट 7 किलो न्यूटन इसका खुद का सल्फेट रहेगा। तो प्लीज़ गाइस, ये हमारा चैनल है, होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।